Gentlemen, please welcome the living legend, Dr. Girija. हमारे सभी संगीत के रसिक श्रोतागण को मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग सुख शांति स्वस्थ हैं, आशीर्वाद, क्योंकि बहुत एक चीज़ मुझे बतानी थी कि भारतीय कला केंद्र और शंकरलाल फेस्टिवल के जितने लोग हैं इसमें उनके परिवार के मैं मुझे भी अपने परिवार में उन्होंने शामिल कर लिया था और ये तारीख थी सन 1952 और वो भी मार्च के महीने में शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो मैं एकदम परिवार की तरह थी, सब गाना बजाना, आपस में आना जाना, बनारस, दिल्ली, शादी ब्याह, सभी बच्चों के साथ साथ मिल कर के हम लोग कलाकार की तरह ही घर की तरह से रहते थे। तो आज मुझे करीब 62-63 ईयर्स हो गया इस परिवार से मेरा रिश्ता, और आप सब श्रोताओं से पता नहीं उसमें कि कोई लोग पैदा हुए थे कि नहीं, कोई बड़े थे, जन्मे थे, इस समय तो प्रणाम इसलिए नहीं कहा कि अगर कोई 90 बरस का हो तो मैं प्रणाम करती हूँ, बाकी छोटे लोग को आशीर्वाद दे रही हूँ। तो आज मैं शोभा जी सब लोग मेरे सामने हैं और मुझे पता नहीं है कि अभी मुझे कितनी देर गाना है, क्योंकि समय की मैं बचपन से बहुत सम्मान करती हूँ समय का। समय रहते हुए किसी और कलाकार को तकलीफ ना हो, कोई और देरी सवेरी ना हो, इसलिए मैं पहले पूछ लेती हूँ कहाँ यहाँ कोई है, साधना है। कितनी देर मैं गाऊं शोभा रानी? डेढ़ घंटा तो आपको हो जाएगा, 7:25 है, 8:45 बजे तक बहुत देर न हो जाए। ठीक है, अच्छा। मैं पहले एक राग पूर्वी राग में एक विलंबित एक द्रुत गाऊंगी, उसके बाद ठुमरी गाऊंगी, उसके बाद चैती गाऊंगी, चैत का महीना है, फिर दादरा गा लूँगी, फिर आप लोग की इच्छा होगी तो भजन भी मैं गा लूँगी, लेकिन समयानुसार।
Mm-hmm.
Ah!
88 बरस से बुढ़ी को सोच रहे हैं कि चौगुन तान नहीं जाएगा, मत सोच बेटा। हे भंवर
Yeah.
बच्चों के साथ बैठने से थोड़ा हमें भी अच्छा लगता कि दादी नानी रहती तो झगड़ लेती हैं, ये झगड़े हो रहे थे इनके। ये मेरे फोर्थ जनरेशन के बच्चे हैं, मेरे गुरुजी के बेटे के बेटे के बेटे और ये मेरे गुरुजी के भी फोर्थ जनरेशन है, मेरे दादा गुरु उनके बेटे उनकी बेटी उनका बेटा ये चार है। इनके पिताजी को तो मैं भाई साहब बोलती थी, सब मेरे हमारे अपने हैं, सब हमारे रिश्ते में हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ थोड़ी आप लोग को भी बता देती हूँ कि इस उम्र में भी रियाज करिए और कभी मत सोचिए कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, अपना कार्य करते रहिए, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। खाली गाना ही नहीं, हर काम के लिए, हर अच्छे काम के लिए ईश्वर आपको ताकत देगी और आप इसी मजबूती से हंसते खेलते हुए सब काम करते हुए जाना तो सभी को है, कोई रहने नहीं आया, लेकिन अपने वक्त को जमा के रखिए कि कोई आपके ऊपर हाथ न पड़े।